दुनिया के कई देशों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और ये बहुत खुशी की बात है, शायद इससे इस महामारी पर काबू पाया जा सके। जिन देशों में लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है उसमें अमेरिका भी शामिल है। यहाँ लोगों को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन एक नए मामले ने सबको चौंका दिया है। दरअसल कैलिफोर्निया में एक पुरुष नर्स ने एक हफ्ते पहले ही फाइजर की वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन अब वह कोरोना से संक्रमित हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन 6 दिन बाद वह बीमार हो गया। उसे ठंड लगने लगी और शरीर में दर्द होने लगा, साथ ही उसे थकान भी महसूस हो रही थी। इसके बाद उसने अस्पताल जाकर कोरोना का टेस्ट करवाया तो वह पॉजिटिव निकला। अब ये सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन सच में प्रभावी है या उस नर्स ने कोई गलती कर दी जिससे वह वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित हो गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ रेमर्स कहते हैं कि वैक्सीन का काम होता है शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करना, लेकिन उसमें 10 से 14 दिन का समय लग सकता है। वह कहते हैं कि वैक्सीन की पहली खुराक आपको करीब 50% सुरक्षा देती है। आपको 95% सुरक्षा के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक की जरूरत होती है। नंबर 2, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के कन्वेंशन ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष और बायोलॉजिस्ट नतालिया पस्नर कहती है कि वैक्सीन मिलने के बाद शरीर की पहली प्रतिक्रिया होती है एंटीबॉडी बनाना, लेकिन वैक्सीन का शरीर में असर दिखने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लग सकता है, यानी वैक्सीन लेने के कुछ हफ्ते बाद ही आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। नंबर 3, भारत समेत दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार हुई अधिकतर वैक्सीन के पूरी तरह प्रभावी होने के लिए उसकी 2 डोज जरूरी है। नतालिया पस्नर के मुताबिक वैक्सीन की पहली खुराक मुख्य बूस्टर की तरह काम करती है, जो शरीर में इम्यूनिटी पैदा करने की शुरुआत करती है, और दूसरी खुराक कोरोना के खिलाफ बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करती है। नंबर 4, बीबीसी के मुताबिक साओ पावलो यूनिवर्सिटी के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज कलील कहते हैं कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 1 महीने तक इंतजार करें और फिर दूसरी खुराक ले। इसके बाद कम से कम 15 दिनों तक कोरोना वायरस से बचाव के जरूरी एहतियात बरतते रहे, इसके बाद ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि कई जगहों पर ये देखने में आ रहा है कि लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक देने के बाद 21 दिन पर दूसरी खुराक दी जा रही है। नंबर 5, नतालिया पर्सनक के मुताबिक वैक्सीन मिलने के बाद यह जरूरी है कि आप घर लौटे, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखे, मास्क का इस्तेमाल करे, नियमित रूप से हाथ धोते रहे और दूसरी डोज का इंतजार करे। दूसरी डोज लेने के बाद कम से कम 15 दिनों तक उम्मीद के मुताबिक वैक्सीन के पूरी तरह प्रभावी होने का इंतजार करें। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।